आज का वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसे आपको 5 मरतबा रिपीट करके देखना पड़े इसको समझने के लिए, तो मैं समझूंगा बिल्कुल भी बुरा सौदा नहीं है। फ्री फ्री आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने आपको एक दफा बताया था वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी कौन सी है, अटेंशन। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सेकेंड वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी कौन सी है, और इस करेंसी से ही ड्राइव हुई हुई है जो हमारी आजकल की करेंसी चलती है। तो दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी का नाम है एक्शन। एक्शन दुनिया की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल करेंसी है। जब दुनिया शुरू हुई होगी तो कुछ ही अरसे में इंसान को जरूरत पड़ी होगी कि यार मेरी खातिर अगर कोई और एक्शन ले ले, यानी कि मेरे लिए कोई शिकार कर ले, मेरे लिए कोई और सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दे, मेरे लिए कोई और मदद प्रोवाइड कर दे किसी तरह, यानी कि मेरी खातिर अगर एक्शन ले ले, तो ये मेरे लिए बहुत ही वर्थ की चीज है, बहुत वैल्यूएबल चीज है। यानी कि एक काम मैं अकेला करता हूँ, जैसे कि टीम वर्क में होता है क्या, या सिनर्जी कहते हैं, कि एक और एक 11 हो जाते हैं। तो अगर मेरे लिए कोई एक्शन ले ले तो फिर क्या ही बात है। अब एक्शन करेंसी कैसे, करेंसी की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए तब वो करेंसी कहलाएगी, और दो तीन जो मेन प्रॉपर्टीज हैं करेंसी कहलाने के लिए, वो है ट्रांसफरेबल हो, यानी कि मैं किसी को दे सकूं, कन्वर्टेबल हो, वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले किसी दूसरी करेंसी की फॉर्म में, इसी तरह सेवेबल हो, सेव कर सकूं मैं उसको, और उसकी पावर ये भी हो कि यार वो कितने बड़े एरिया पे चल सकती है। यानी कि एक एक्शन में यहां बैठ के लेता हूं, अगर फर्ज करें कराची पाकिस्तान में, और उसको मैं कन्वर्ट करा लूं दुनिया के किसी और मुल्क में उसी एक्शन को, यानी कि मैंने यहां खड्डा खोदा 10 फुट, वो किसी तरह सेव हो जाए और मैं दुनिया के किसी और मुल्क में जाऊं एक करेंसी को लेके, और मुझे वही 10 फुट खड्डा कोई खोद के दे दे, तो इसको कहते हैं कन्वर्टेबिलिटी। और इसकी यानी कि वाइडनेस के कितनी दूर तक ये करेंसी मार कर सकती है। अगर अमेरिकन डॉलर सिर्फ अमेरिका में एक्सेप्टेबल हो तो उसकी वो वैल्यू नहीं होगी, होगी मगर वो वैल्यू नहीं। तो अब जो इंसान ने करेंसी सोची जिसके अंदर एक्शन कैद हो सकता है, वो है गोल्ड सिल्वर। यानी कि आप माइन करते हैं, अगर 10 आदमी 10 दिन तक खड्डे खोदें, सोने के जर्रात इकट्ठे करें, उन्हें प्यूरिफाई करें, तो कहीं जाके वो 1 ग्राम 10 ग्राम जो भी गोल्ड बनेगा, तो यानी कि लोगों की मेहनत उस गोल्ड के अंदर सेव हो गई या उस सिल्वर के अंदर सेव हो गई, आपको माइन करना पड़ा। अब इसी तरह आपने हमारे मुल्क के नोटों पे देखा होगा कि लिखा होता है हाँ मिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। अब वो क्या लिखा हुआ है कि हामिल हाजा को इस बैंक दौलत पाकिस्तान हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। वो भाई क्या अदा करेगा, तो अदा ये करेगा, रुपया कहते हैं चांदी को, यानी कि चांदी अदा करेगा या सोना अदा करेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आपकी करेंसी जो है ना गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ लिंक्ड होनी चाहिए। अगर आज सब लोग पहुंच जाएं स्टेट बैंक में कि लाओ भाई मुझे गोल्ड दे दो या मुझे सिल्वर दे दो, तो स्टेट बैंक के पास ना इतना गोल्ड है ना सिल्वर है कि वो सबको दे सके। यही वजह है कि हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है। जो कागज का एक नोट होता है, कागज के नोट पे आप उसके अंदर वो एक्शन सेफ नहीं है, उसके अंदर वो पावर सेफ नहीं है, ये कागज का टुकड़ा है, इसको मैं ऐसे फाड़ के फेंक दूं खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये इस पे सिर्फ एक वादा लिखा हुआ है कि जी बैंक दौलत पाकिस्तान ये अदा करेगा आपको फलाना, ये एक वादा है, वादा भी एक करेंसी होती है बहरहाल, लेकिन इस वादे के पीछे बैक में कुछ नहीं है, ये खोखला वादा है।
इसी तरह करेंसी एक्शन की और एक फॉर्म है, और वो ये है कि एबिलिटी टू टेक एक्शन, यानी कि कोई ऐसी चीज जिसके अंदर ये ताकत हो, कोई एनर्जी कि वो एक्शन ले सके। मिसाल के तौर पे जैसे बिटकॉइन है, अब बिटकॉइन को माइन करना पड़ता है और बिटकॉइन बनाने के लिए आपको एक खास पावर यूज करनी पड़ेगी, तो वो बिटकॉइन आएगा। उसकी यूनिकनेस है, करेंसी की यूनिकनेस भी एक चीज होती है। तो इसी तरह अगर आपके पास एक छोटा सा सेल है जिसके अंदर 2 मेगावाट बिजली सेव हो जाए, ऐसा छोटा सा सेल हो, तो वो एक ओरिजिनल करेंसी होगा, क्योंकि उस सेल के अंदर एबिलिटी सेव हो गई टू टेक एक्शन। इसी तरह ऑयल है, ऑयल को भी आपको माइन करना पड़ता है, और ऑयल के अंदर छुपी हुई है पावर, हरारत, हीट। हीट क्या है? एनर्जी, एबिलिटी टू टेक एक्शन। अब जो हमारे करेंसी नोट्स हैं वो क्यों इनवैल्यूएबल हो जाते हैं? जो हमारे पास एक आम बंदे के पास कॉन्सेप्ट होता है, मैं छोटा था मैं भी ये सोचता था कि यार गवर्नमेंट को चाहिए बहुत सारे नोट छापे और गरीबों में बांट दे और जनाब बस बल्ले बल्ले, फिर इसमें मसला ही क्या है, क्यों इतनी तगोदो की जरूरत है भाई, नोट छापो। लेकिन उस नोट के अंदर अगर एक्शन सेव नहीं है, गोल्ड और सिल्वर ना होने का यही एक वो है इन कागजों के नोट में, कि इनके पीछे एक्शन नहीं है। अगर गवर्नमेंट बगैर एक्शन के सिर्फ नोट छाप छाप के लोगों में देती रहे तो क्या होगा? जब उसमें एक्शन ही, आपने एक्शन लिया ही नहीं है, या कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं लिया। कुछ एक्शन ऐसे भी होते हैं, मिसाल के तौर पर मैं खड्डा खोद दूं उसमें वापस मट्टी भर दूं, तो ये एक्शन से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इसी तरह इन नोटों से जब आप गरीबों में बांट देते हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये वो, तो बगैर किसी के एक्शन लिए, कौम ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन आपने नोट बांट दिए के अवाम में, तो क्या होगा? जब इन्फ्लेशन होगा, करेंसी डिवैल्यू होगी। तो इसीलिए अब ज्यादातर मुल्कों ने गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं रखा हुआ बहरहाल, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये जो सारी मैंने आपको बात बताई, लेकिन अगर आप इस वीडियो को रिपीट करके देखें, थोड़ा सा इसमें से नोट करें, इसमें बहुत कुछ है। हम जिस करेंसी के पीछे भाग रहे हैं, जिन पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आपको बहुत कुछ समझ आएगी। इसके पीछे अगर भागना है, कैसे भागना है, क्या कन्वर्ट करना है, तो इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।